सिंगरौली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने सभी से मास्क का उपयोग करने के साथ ही प्रशासन के नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने जिले में सभी दुकानदारों और व्यवसायियों से आग्रह किया है कि सभी अपने संस्थान समय पर बंद करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने मीडिया से कोरोना महामारी के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, सभी को इस बीमारी से सबक लेना चाहिए और मास्क का उपयोग करना चाहिए। कलेक्टर ने दुकानों को रात 8 बजे के बाद बंद करने के निर्देश दिए हैं। धार्मिक आयोजनों को लेकर उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि दुकानों का निरंतर निरीक्षण किया जाएगा, दुकानदार ग्राहकों से मास्क पहनने का सुझाव दें, इसके बाद ही दुकानों में आए हुए ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही एक एक गज की दूरी बनाए रखने को कहें। नंबर एस्टैब्लिश किए गए हैं, उसके अलावा जो 8 फीवर क्लिनिक हमारे जो सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में है, उसके अलावा जो पूरे ज़िले में 13 फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि वो उसके संक्रमण के लक्षण उसे प्रदर्शित हो रहे हैं तो आके अपनी जांच करवा सकता है और उसके बारे में जो है अपने आप को आश्वस्त कर सकता है। तो ये की है कि जो डेथ को प्रिवेंट करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है कि इसके बारे में सबसे पहले अपने आप को इसका डिटेक्शन हो और फिर उसके बाद में जो अप्रोप्रिएट इलाज है उसको हम उसकी व्यवस्था कर सकें, तो उसके बारे में हम लगातार यहाँ कोशिशें कर रहे हैं जिससे कि ये जो संक्रमण की जो केसेस हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें और उनके बारे में जल्दी हम पता लगा सकें। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।